वो मेरे पास आए हैं, तो सीबीडीटी जाने के बाद या तो कल शाम को या परसों सुबह 11 बजे उपराज्यपाल महोदय से मिलकर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला उसकी सारी जानकारी भी देश के सामने रखूंगा और मोहल्ला क्लिनिक घोटाला में भी उपराज्यपाल महोदय अपनी धर्मपत्नी को सामने लाते हैं। मेरे संस्कारों में, मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी की धर्मपत्नी या किसी की माता जी के बारे में बोलना नहीं सिखाया गया, मैं कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके काले धन की सच्चाई, हवाला का आप काम करते हो, फर्जी कंपनियों का आप रैकेट चलाते हो, आज पूरे देश को पता लग गया है। जेल जाने से आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। नदियों के द्वारा जैसा शर्मिला जी को अनशन चालू रखवाया गया है, वो अनशन ही चालू रखा जाए, अस्पताल में ही रहा जाए। लेकिन मेरे को सीबीआई भी जाना है, सीबीडीटी भी जाना है। कल जो सबूत और दस्तावेज हवाला और काले धन के अरविंद केजरीवाल जी के देश के सामने रखे हैं, अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने जाना है, तो या तो मैं सीधे लिक्विड लेके अनशन खत्म करने का ऑप्शन था और या फिर नलियों के माध्यम से भोजन लेने का ऑप्शन था। तो इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, और क्योंकि देश के सामने दो चीजें हैं, एक चीज तो उनके हवाला और काले धन के तथ्य देश के सामने आ गए, और दूसरे पूरे देश के सामने यह आ गया कि विदेशी यात्राओं की जानकारी देने से अरविंद केजरीवाल क्यों बच रहे हैं, क्यों छुपे हुए हैं विदेशी यात्राओं की जानकारी देने से। ये दोनों तथ्य आज हिंदुस्तान के सामने हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की मौजूदगी में मैंने अपने अनशन को खत्म किया है। कल सुबह 11 बजे सीबीआई जाऊंगा और उसके बाद सीबीडीटी जाऊंगा। हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा।